हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ले ह्यूमैनिटीज़। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी, एंड कैसे हो आप सब। सो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक और न्यू चैप्टर, एंड चैप्टर का नाम है इक्वालिटी। तो वैसे तो आपको नाम सुनकर ही पता चल रहा होगा हम लोग इस चैप्टर में इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है, कैसे इक्वालिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इक्वालिटी से रिलेटेड काफ़ी कुछ हम लोग इस चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, एंड हाँ, पूरे चैप्टर को हम लोग इसी एक लेक्चर में इन डिटेल ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो जिसने भी ज्वाइन कर लिया क्लास को, जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भी अमेजिंग लेक्चर्स के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर, ठीक है। तो अगर इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी एक बहुत ही पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडिया, ठीक है। चलो हाँ, तो इक्वालिटी एक बहुत ही पावरफुल मॉरल और पॉलिटिकल आइडिया है, और ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने रिसेंटली या हाल ही में डिस्कशन करना स्टार्ट करा है। बहुत लंबे टाइम से, सेंचुरीज पहले से हम लोग इक्वालिटी के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करते आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप अलग अलग फेथ, अलग अलग रिलीजन को भी उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि हर एक रिलीजन में कहीं ना कहीं इक्वालिटी के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है, ठीक है, कि हम सारे ऐसे ह्यूमंस हैं जिनको गॉड ने बनाया है, हम सारे ह्यूमंस बराबर हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन में, फेथ में, बिलीव्स में इक्वालिटी के बारे में बहुत सारी बातचीत करी जाती है। एंड ओवरऑल इक्वालिटी का आइडिया क्या होता है कि हम सारे ह्यूमंस बराबर हैं, फ़र्क नहीं पड़ता हमारा कलर क्या है, जेंडर क्या है, रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, ठीक है, कास्ट क्या है, पैसे कितने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सारे लोग इंसान हैं। सो वी ऑल आर इक्वल, है ना। ओवरऑल यही हमारे दिमाग में आता है जब हम इक्वालिटी को सुनते हैं। पर इस चैप्टर में हम लोग देखो, यहाँ इतना तो बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है, इतना तक तो हम सोशल साइंस में खुद ही हम समझ जाते हैं इतना पढ़ते पढ़ते। इस चैप्टर में आप इक्वालिटी के और भी बहुत सारे डायमेंशंस को इन डिटेल समझोगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये सिखाया जाता है कि जो ह्यूमंस हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसी को ही हम इक्वालिटी कहते हैं, है ना। एंड लाइक आई वॉज सेइंग कि ये कोई बहुत न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग बहुत पहले से इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। इनफैक्ट आपको याद होगा हम लोगों ने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसे हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इक्वालिटी के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से होल वर्ल्ड को क्या सीखने को मिला था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी, है ना। तो बहुत पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से ही हम लोगों ने इक्वालिटी के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। चलो फ्रेंच रेवोल्यूशन छोड़ो, आपको हमारे एंटी कलोनियल स्ट्रगल्स याद होंगे, आपको याद होगा हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, और सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अलग अलग कॉलोनियल पावर्स को भगाने की कोशिश करी है। तो उस टाइम पे हम लोग भी इक्वालिटी की बात करते थे, ठीक है। तो एशिया में अलग अलग कंट्रीज, अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज, जब हम लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तब भी हम लोग इक्वालिटी की बात करते थे, ठीक है। आज के टाइम पर भी हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, स्पेशली जब विमेन या फिर दलित्स या ऐसे ग्रुप्स की बात हो रही होती है जिनको हमने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सप्रेस करा है, है ना। तो जब ये अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब विमेन कह रही होती हैं कि हमको बराबर हक दो, जब SC, ST, दलित, OBC ये सब कह रहे होते हैं कि हमें इक्वल राइट्स, तो तब भी हम ये शब्द सुनते रहते हैं इक्वालिटी, है ना। आज के टाइम पे इक्वालिटी एक वाइडली एक्सेप्टेड आइडिया है और हमारे और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के संविधान में लिखा हुआ है, अपने संविधान में तो है ही और बाकी भी बहुत सारे कंट्रीज़ के संविधान में अब इक्वालिटी की बात करी जाती है, ठीक है। पर पता है इसमें मतलब एक ऑड सी चीज़ क्या है, हम लोग बात तो बहुत करते हैं इक्वालिटी के बारे में पर हमें इक्वालिटी दिखती नहीं है, है ना, समझ रहे हो। ये मतलब आपको भी, आपने भी नोट करा होगा कि हम लोग बात बहुत करते हैं इक्वालिटी के बारे में पर इक्वालिटी उतनी दिखती नहीं है, बल्कि इनइक्वालिटी हमें ज़्यादा दिखती है, है ना। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात है ये कि हम लोग पूरा दिन कहते रहते हैं इक्वालिटी ये, इक्वालिटी वो, संविधान में छाप दिया, पर इक्वालिटी उतने आसानी से दिखती नहीं है हमें। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह इक्वालिटी को देखना मुश्किल होता है, इनइक्वालिटी बहुत आराम से दिख जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि
अच्छे अच्छे घर भी हैं, पर फिर उसी शहर में ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे स्लम्स हैं, ठीक है। अगर हम किसी शहर की बात करें तो ऐसे स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं जहाँ पे एसी चल रहा होता है, अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती है। ऑन दी अदर हैंड ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पे बच्चों के पास ड्रिंकिंग वाटर तक अवेलेबल नहीं होता, टॉयलेट्स नहीं होते, ठीक है, उन्हें खाना नहीं मिलता, बच्चे स्टार्व कर रहे होते हैं। तो इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मतलब एक फ़र्क है, हमने कानून में तो बहुत अच्छा अच्छा लिख दिया, संविधान में बहुत अच्छा अच्छा लिख दिया, पर वो जो भी हमने अपने प्रिंसिपल्स लिखे हैं, इक्वालिटी ये इक्वालिटी वो प्रिंसिपल्स हमें सोसाइटी में नहीं दिख रहे। वी लिव इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ अनइक्वल वेल्थ, हम एक कॉम्प्लेक्स से वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे वेल्थ सबको अनइक्वली मिल रहा है, पैसा सबके पास अनइक्वली जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज लोगों को इक्वल नहीं मिल रहे, काम की सिचुएशन लोगों की इक्वल नहीं है, पावर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, दूसरी तरफ अगर आप सोसाइटी को ध्यान से देखने बैठ जाओ तो आपको पता चलेगा कि इक्वालिटी तो कहीं पे है ही नहीं, बल्कि इनइक्वालिटी ज़्यादा है। शुड वी बी कंसर्न्ड अबाउट दीज काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो अभी जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि क्या हमें इन इनइक्वालिटीज से फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं, क्या ये जो इनइक्वालिटीज हैं ये हमारे लाइफ का परमानेंट पार्ट है, या क्या ये इनइक्वालिटी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमने ऐसी सोशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम तो ढूंढेंगे ही, मतलब हम तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे ही इस चैप्टर में, पर बहुत साल पहले से अलग अलग लोग भी इसके बारे में सोचते हुए आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल थियोरी के स्टूडेंट हो आप, है ना, ह्यूमैनिटीज़ में आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो आपको भी अभी मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है, कि इक्वालिटी का असली मतलब क्या होता है, ठीक है, एंड इस टर्म का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वी आर इक्वल, देन व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली, इसका असली मतलब क्या है, ठीक है। इक्वालिटी के आइडिया से हम लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। क्या इक्वालिटी का मतलब ये है कि सारे डिफरेंसेस को हटा दो, सब लोगों को एकदम सेम सा बना दो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी आर वी परस्यूइंग, हम किस टाइप की इक्वालिटी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, ये तो अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी इन क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि How should a society decide which difference of treatment is to be rewarded or punished? ठीक है, हम कैसे decide करें कि कब लोगों के साथ different treatment करना है या कब लोगों के साथ different treatment नहीं करना, किस type के different treatment को punish करना है, किस type के different treatment को reward करना है, ठीक है। हम किस type के policies बना सकते हैं ताकि हमारी जो society है egalitarian मतलब उसमें equality बढ़े, ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब लोग इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की सोसाइटी बनाने के लिए किस टाइप की पॉलिसीज बननी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अभी समझ आएंगी। चलो तो अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तो मतलब बेसिक था, आपको मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी कि इस चैप्टर में क्या क्या तुम्हें समझ आएगा, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज इक्वालिटी, होता क्या है इक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइंस हैं एंड ये साइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग एरियाज में कभी ना कभी यूज़ किए गए थे, ठीक है। जैसे ड्रिंकिंग फाउंटेन के लिए एक साइन है कि अगर आप वाइट हो तो लेफ्ट वाले ड्रिंकिंग फाउंटेन से पियो और अगर आप कलर्ड हो तो राइट वाले से, ठीक है। रेस्ट रूम्स लिखा है यहाँ पर फॉर वाइट ओनली, ठीक है, ओनली यहाँ पे कट गया था, मतलब सिर्फ वाइट लोगों के लिए है ये रेस्ट रूम, ठीक है। अगर आप मैक्सिकन हो, मतलब नो डॉग्स नो नीग्रोज नो मैक्सिकन, इस टाइप के अलग अलग साइंस, ठीक है। तो इन सारे साइंस को देखने के बाद हमें क्या लगता है कि लोगों के बीच में डिस्टिंक्शन किया जा रहा है ना, मतलब अगर आप इस टाइप के कम्युनिटी से हो तो आप इसे यूज़ करो, अगर आप दूसरे कम्युनिटी से हो तो आप वो यूज़ करो, मतलब थोड़ा एक भेदभाव किया जा रहा है ना। तो जब हम ये देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है ऑटोमेटिकली कि मे बी इक्वालिटी तो तब होगा जब हम सबको सेम ट्रीट करें, है ना। जैसे उसमें क्या लिखा था उस साइन में कि अगर आप वाइट हो तो इस तरफ जाओ फाउंटेन के लिए और अगर आप कलर्ड हो तो उस तरफ जाओ, है ना। तो हम ऐसे लोगों को सेम भी तो ट्रीट कर सकते हैं ना,
हमें क्या जरूरत है बोर्ड लगाने की कि वाइट और कलर्ड लेफ्ट और राइट में जाओ, एक ही फाउंटेन लगा दो, जो भी इंसान है जाके वहां से पी लेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये आता है कि जब हम लोगों को सेम ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करेंगे दैट इज इक्वालिटी, ओके, पर दैट इज नॉट राइट। ठीक है, मतलब इस सिचुएशन के लिए तो सही है कि हाँ भेदभाव मत करो, पर हर सिचुएशन में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोगों को देखें और बोलें कि हम तुम्हें सेम ट्रीटमेंट देंगे क्योंकि इक्वालिटी का मतलब वो है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ओके, मान लो आपका जो स्कूल है, आपके क्लास में मान लो एक हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, ओके, मान लो लेग थोड़े से पैरालाइज्ड हैं, वो बच्चा अच्छे से चल नहीं सकता, ओके, एंड बाकी जो क्लास के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, वो बहुत हेल्दी हैं, ठीक है, वो भाग सकते हैं, चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो उस क्लास में एक टीचर आती हैं और टीचर कहती हैं कि हम क्या करेंगे, हम एक रेस लगाते हैं, ठीक है, और रेस में मतलब उन्होंने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक भागना है, जो पहले जीतेगा उस बच्चे को मैं एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स दूंगी, ऐसा कुछ, ओके। अब उसी रेस में हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को भी बोला है कि तुम्हें भी पार्ट लेना, ठीक है, तो अब आप जरा सोचो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये इक्वालिटी हुई, ठीक है, कि हैंडीकैप्ड स्टूडेंट और आप दोनों सेम रेस में कंपीट कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्वालिटी का मतलब सुन के लोगों को लगता है ना कि सेम सेम ट्रीटमेंट दो, वही इक्वालिटी है, पर इस केस में तो सेम सेम ट्रीटमेंट देने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। आप हेल्दी हो, आप भाग सकते हो, आप प्रिविलेज्ड हो, आप चल सकते हो, भाग सकते हो। ऑन द अदर हैंड जो हैंडीकैप स्टूडेंट है वो नहीं चल सकते, वो नहीं भाग सकते, तो उनके लिए सेम रूल्स, सेम गाइडलाइंस अगर आप लगाओगे तो वो इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, वो तो मतलब उसे परेशान करने के बराबर हो गया, बुली करने के बराबर हो गया, है ना। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि सेम सेम ट्रीटमेंट का मतलब इक्वालिटी हो, ठीक है। द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज विच डिस्टिंक्शन आर डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट। तो ऐसे में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, है ना, आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि दीदी तो क्या करें, कब लोगों को सेम ट्रीटमेंट दें और कब लोगों को सेम ट्रीटमेंट ना दें, ठीक है, कब लोगों को सेम ट्रीटमेंट देना सही है और कब लोगों को सेम ट्रीटमेंट देना गलत है, ये हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो वेन पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर रिलीजन और रेस और कास्ट और जेंडर, We regard this as unacceptable, ठीक है। देखो, जब हम किसी को अलग ट्रीटमेंट देते हैं जस्ट बिकॉज उसका रिलीजन अलग है या उसका कास्ट या रेस अलग है या उसका जेंडर अलग है, तब हम कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। अगर आपके साथ एक हैंडीकैप्ड बच्चा है और अगर मैं उस हैंडीकैप्ड बच्चे के लिए एक अलग टेस्ट रखूं और आपके लिए कहूं कि तुम्हें भागना तो भाग लो, रेस में कोई दिक्कत नहीं है, पर हैंडीकैप्ड बच्चे के लिए अगर मैं अलग टेस्ट रख रही हूं तो वो इनइक्वालिटी नहीं होगी। इनइक्वालिटी कब होगी, अगर मैं रिलीजन, कास्ट, जेंडर के बेसिस पे अलग अलग ट्रीटमेंट करने लग जाऊं, तब वो इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। चलो, अब एक और चीज समझो कि हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, वी आर ऑल वेरी यूनिक इन नेचर, है ना, हम सारे लोग अलग हैं, ओके। मैं आपको अक्सर एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपके भाई बहन है तो आप नोट करना कि भाई और बहन का तो अपब्रिंगिंग सेम होता है ना, बचपन से आप लोग सेम घर, सेम मम्मी पापा, सेम एनवायरनमेंट में आप लोग ग्रो हो रहे हो, पर फिर भी आप देखना कि आपका जो सिबलिंग होगा, आपका जो भाई या बहन है, वो आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट होगा पर्सनालिटी में, ठीक है, और मतलब लाइक्स में, डिसलाइक्स में, तो सेम घर के ही लोग कितने अलग होते हैं, है ना। तो हम सारे ह्यूमंस अलग होते हैं, हम लोगों का एम्बिशन अलग है, अपना अलग अलग सपने हैं हम लोगों के, ठीक है। तो जब हम सारे ही लोग अलग हैं तो हम सबको कहीं ना कहीं सेम ट्रीटमेंट देना इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे जाके हो सकता है IAS बने, है ना, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद IAS ना बने, हो सकता है आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन बनो, ठीक है, हो सकता आप में से कोई एक बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट बने, ठीक है। मुझे आई नो अ पर्टिकुलर चाइल्ड हमारे क्लास में से जिसने बहुत प्यारी प्यारी सी स्केचेस वगैरह बना के मुझे भेजी हैं, ठीक है, तो मुझे सडनली याद आया, हो भी सकता आप में से कोई बड़ा हो कि बहुत फेमस आर्टिस्ट बने,
ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो IAS बना वो सबसे पावरफुल है, वही सबसे बढ़िया है और मेरे बाकी बच्चे बेकार है, नहीं। ओके, फर्क नहीं पड़ता, हो सकता आप सारे लोग अलग अलग काम करो, बट देन ऑल्सो वी आर ऑल इक्वल, है ना। किसी के IAS बन जाने से उसके राइट्स ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे, है ना। IAS के भी राइट्स और एक म्यूजिशियन के भी राइट्स इंडिया में सेम है। ओके, तो हम सारे लोगों का एम्बिशन अलग हो सकता है, ठीक है, हम सारे लोगों का पोटेंशियल अलग होता है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाती हैं चीज़ें, कुछ लोगों को उतनी जल्दी याद नहीं होती। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज नेवर दैट स्टूडेंट जिसे, मतलब कुछ होते हैं ना बहुत ब्राइट बच्चे, एक बार पढ़ा सब समझ आ गया, याद हो गया, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। मुझे बार बार चीज़ें पढ़नी पड़ती थी, कई बार 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 चीज़ें लिखनी पड़ती थी, तब जाके मुझे चीज़ें याद होती थी, ठीक है। तो हम सबका अलग अलग पोटेंशियल भी होता है। इट मेयरली सजेस्ट दैट द ट्रीटमेंट वी रिसीव एंड द अपॉर्चुनिटीज वी एन्जॉय मस्ट नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाय बर्थ एंड सोशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो इट इज़ फाइन, हम सारे लोग अलग हो सकते हैं, ठीक है, पर IAS, म्यूजिशियन, पेंटर, डांसर, जो भी हम बने, हम सबको लाइफ में सेम, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है, और हम सबको इक्वल राइट्स भी मिलने चाहिए, ठीक है, दैट इज इक्वालिटी। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज के बारे में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब होता है, ठीक है। The concept of equality implies that all people as human beings are entitled to the same right. तो ये मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत समझा ही दिया है। Equality का ये मतलब है कि as human beings हम सबको same right मिले, ठीक है। तो again हम सबके अलग अलग dreams हो सकते हैं, हो सकता है हम लोग future में जाके अलग अलग चीज़ें करें, पर सबको एक सिमिलर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं जो UPSC के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर बहुत कम बच्चे करते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया क्लियर बहुत कम बच्चे करते हैं, पर हर एक बच्चे को ऐसा लगना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि उसे भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिली जितना किसी और को मिली तैयारी करने में, है ना। अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो मतलब वो कहीं ना कहीं शायद उसकी तैयारी में कोई प्रॉब्लम रह गई या कुछ हो गया, ठीक है। अब उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी और के लिए एग्जाम पार करना आसान था पर मेरे लिए मुश्किल था। ओके, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज नॉट द लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और वेल्थ और प्रिविलेज, ठीक है, इट इज इनइक्वालिटी इन पीपल्स एक्सेस टू बेसिक गुड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सेफ हाउसिंग, ठीक है। आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हो सकता है एक बच्चा जो है वो बहुत ही फेमस क्रिकेटर बन जाए या बहुत ही फेमस लॉयर बन जाए, ठीक है। हो सकता है कि कोई और बच्चा हो वो शायद क्रिकेटर ना बने, ठीक है, मान लो वो कोई और प्रोफेशन में हो, मान लो वो टीचर बन जाए, ठीक है, मान लो कभी आके क्या पता पढ़ ले, मैं पढ़ा दे, ठीक है। तो एक है जो बहुत फेमस क्रिकेटर बन गया और एक मतलब कोई एक टीचर है, ठीक है, चलो मान लो एक टीचर है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में हमें मतलब भेदभाव नहीं करना कि हाँ एक क्रिकेटर बन गया तो वो तो बहुत ही बढ़िया है और एक टीचर है तो उसने तो शायद कुछ नहीं करा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उन दोनों को लाइफ में लगना चाहिए कि क्या हो गया वो क्रिकेटर है या अगर वो टीचर है तो हम सबके पास सेम राइट्स हैं, ठीक है। हम सबको एक क्रिकेटर के लिए भी पढ़ाई करना, एजुकेशन कंप्लीट करना या हेल्थ केयर एक्सेस करना उतना ही आसान होना चाहिए जितना एक टीचर के लिए है, ठीक है। टीचर के लिए भी उतना ही आसान होना चाहिए हेल्थ केयर एक्सेस करना या एजुकेशन को एक्सेस करना, अपने बच्चों को पढ़ाना, जितना एक क्रिकेटर को लग रहा है, ठीक है। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम सारे लोग लाइफ में सेम सेम चीज़ें करें, हम सारे लोग सेम इनकम कमा रहे हैं, हम सारे लोग सेम साइज़ के घर में, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है। इक्वालिटी का मतलब ये है कि हम सारे लोगों को सोसाइटी के बेसिक फीचर्स इक्वल तरीके से मिल रहे हैं, दैट इज़ इक्वालिटी। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज, ठीक है। मैं आपको एक लाइन में समझा देती हूँ कि इसका पूरा जिस्ट क्या, ठीक है। तो दो टाइप की इनइक्वालिटी होती है, एक को हम कहते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी, एक को हम कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। नेचुरल इनइक्वालिटी का मतलब है कोई ऐसी इनइक्वालिटी जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है मान लो जो हैंडीकैप्ड है, तो वो नेचुरली हैंडीकैप्ड है ना। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम कहते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी। तो मे बी वो जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, अगर आप रेस वेस लगवा दो उसे, तो वो नेचुरली फील करेगा कि आई एम नॉट मे बी इक्वल इस रेस के कंटेक्स्ट में, बाकी सारे बच्चे भाग लेंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगा,
है ना। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी, कि मतलब वो इनइक्वालिटी नेचुरली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मतलब हमने कुछ ऐसा नहीं करा, नेचुरली ही वो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये स्टीफन हॉकिंग की इमेज है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टीफन हॉकिंग जो थे वो बहुत सारे मेडिकल चैलेंजेस को फेस करते थे, पर फिर भी, ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन करे हैं साइंस के लिए, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग माइंड ब्लोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं इनके, ठीक है। तो इनके साथ जो हुआ दैट इज़ नेचुरल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जब नेचुरली कोई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करे तो हम उसे नेचुरल इनइक्वालिटी कहते हैं। पर नेचुरल इनइक्वालिटी के साथ क्या है, आज के टाइम पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर ली है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग नेचुरल इनइक्वालिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंसान ब्लाइंड बॉर्न हुआ है तो उस केस में कंप्यूटर्स की हेल्प से वो पर्सन सीख सकता है, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो पैरालाइज्ड है तो व्हीलचेयर की हेल्प के थ्रू दैट पर्सन कैन सर्वाइव अ लिटिल बेटर, ठीक है। तो आजकल के टाइम पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, जैसे अगर एक पर्सन को लगता है कि लुक्स में कोई कमी है तो कॉस्मेटिक सर्जरी भी है। तो एक चीज़ है कि आजकल के टाइम पे हम लोगों ने मेडिकली बहुत एडवांसमेंट कर ली है, तो हम नेचुरल इनइक्वालिटी को कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब सोशल इनइक्वालिटी भी मैं आपको बता देती हूँ। सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है, कोई ऐसी इनइक्वालिटी जो सोसाइटी ने बनाई है, ठीक है। जैसे अक्सर क्या होता है, वुमेन को मेन के जितने राइट्स नहीं दिए जाते, अब ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि नेचर ने ऐसा कुछ कहा है, ये हम लोगों ने अपना कल्चर बना लिया है, ठीक है, लोगों ने कल्चर का पार्ट बना दिया, सोसाइटी ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो सोशल इनइक्वालिटी कोई ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी ने खुद ज़बरदस्ती एक इनइक्वालिटी बनाई हो, जैसे कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट सिस्टम नेचुरल नहीं था, इंसानों ने खुद बनाया, इंसानों ने सोसाइटी में खुद बनाया, तो ये सोशल इनइक्वालिटी है। तो नेचुरल इनइक्वालिटी को तो फिर भी हम लोग मेडिकल हेल्प के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू कम कर सकते हैं, पर लोगों की सोच का क्या, सोशल इनइक्वालिटी का क्या? सोशल इनइक्वालिटी को बदलने में जेनरेशंस लग जाते हैं, ठीक है, लोगों को पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, एंड फिर भी उससे भी मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि लोग बदल जाएंगे, ठीक है। लोगों की सोच कैसे बदल सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बट हाँ, सोशल इनइक्वालिटी को हटाना इज कंपैरेटिवली अ वेरी टफ जॉब, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। जब भी हम इक्वालिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो हम तीन नज़रिए से समझते हैं, तीन डायमेंशन से समझते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स को अभी एक एक करके समझते हैं। एक है पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब है, कि पॉलिटिकली हम सारे लोग इक्वल हों, है ना। तो अगर सोसाइटी में सारे लोगों को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जा रही है, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, राइट टू वोट दिया जा रहा है, ठीक है, इक्वल सिटीजनशिप के राइट्स दिए जा रहे हैं, तो हम इसे पॉलिटिकल इक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, कि मतलब सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, ठीक है। We know that considerable inequality can exist even in countries which grant equal rights to all citizens. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी countries हैं जो बोलती तो हैं कि हाँ, हमने अपने संविधान में लिख लिया है, हम सबको equal rights देते हैं, सारे citizens को equal rights देते हैं, पर फिर भी उस country में equality exist नहीं करती, है ना। तो हमने संविधान बना लिए, laws बना लिए, बहुत कुछ कर लिया है, but फिर भी हम देखते हैं बहुत सारी societies हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्या है, सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी कैसी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वुमेन की अगेन, ठीक है, तो वुमेन बहुत सारे सोसाइटी में वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, ठीक है। बहुत सारी जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा मे बी कि ऐसा तो अब नहीं होता, दीदी ज़्यादा ही कुछ बड़ा चढ़ा कर कह रही हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप रूरल एरियाज़ में जाओगे अब भी होता है, इनफैक्ट शहरों में भी होता है काफ़ी अब भी, ठीक है। छोटे बच्चों को, लड़कियों को जल्दी स्कूल नहीं भेजते, लड़का होता है तो झट से स्कूल भेज देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, तो इसे हम सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। तो हमें सोसाइटी में भी लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है। अगेन, इसमें आप एक और एग्जाम्पल उठा सकते हो, कास्ट सिस्टम।
ठीक है, तो वो भी सोशल इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का क्या मतलब है? पैसों के कंटेक्स्ट में इक्वालिटी। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिच होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही गरीब होते हैं, है ना। तो रिच एंड पुअर के बीच का गैप बढ़ता जाता है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है कि काफ़ी हद तक इकोनॉमिकली सबके पास सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मतलब एक इंसान को, अगर मान लो कोई गरीब इंसान है, तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर वो पढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, अगर वो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं डेवलप नहीं कर पा रहा। ओके, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए लोगों को इकोनॉमिकली भी। ठीक है, चलो, तो अब हमारे चैप्टर में ना एक डब्बे में फेमिनिज्म समझा रखा है, एंड मैं इसे स्किप नहीं कराना चाहती। आप इस टर्म को न्यूज़ में भी सुनते होगे, मे बी आसपास भी सुनते होगे, तो फेमिनिज्म का मतलब पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग पता है क्या कहते हैं कि मैं वो फेमिनिस्ट टाइप की नहीं हूँ, ठीक है, मैं फेमिनिज्म पे विश्वास नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जो भी ऐसा कहते हैं कि मैं फेमिनिस्ट टाइप की नहीं हूँ या फेमिनिस्ट टाइप का नहीं हूँ, उन्हें फेमिनिज्म का मतलब पता नहीं होता। क्योंकि अगर मैं अभी फेमिनिज्म का मतलब बताऊंगी ना, तो आपको लगेगा कि जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि मैं फेमिनिज्म नहीं मानता या मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, वो कितने गलत हैं। ठीक है, मैं मतलब किसी को जज नहीं कर रही, पर हाँ, देखो, फेमिनिज्म क्या होता है? ये एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रीन है ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मैन, बस। ठीक है, फेमिनिज्म का क्या मतलब है? एक पॉलिटिकल सोच कि विमेन और मैन को बराबर राइट्स मिले। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है ना, ये तो मतलब होना ही चाहिए सोसाइटी में, विमेन एंड मैन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, है ना। इसी सोच को फेमिनिज्म कहते हैं। अब ये सोच तो आई बिलीव आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, सबकी ही होगी कि विमेन और मैन के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो जो भी ये सोचता है कि विमेन एंड मैन के इक्वल राइट्स होने चाहिए, जो भी फेमिनिज्म के ऊपर विश्वास रखता है, वो फेमिनिस्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। आई फील मे बी कभी कभी मीडिया या कहीं पे गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया जाता हो, पर फेमिनिज्म का बहुत ही आसान सा मतलब है कि मैन और वुमेन को बराबर राइट दे दो। ठीक है, जो फेमिनिस्ट होते हैं ना, उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि वुमेन को बराबर राइट्स नहीं मिल रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है, एंड एक और चीज़ याद रखना, ये लोग अक्सर पेट्रियार्की को ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए कि वुमेन एंड मैन को बराबर राइट क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि पेट्रियार्की। अब पेट्रियार्की का क्या मतलब होता है? दिस टर्म रेफर्स टू सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर देन वुमेन एंड गिव्स मैन पावर ओवर वुमेन। ठीक है, पेट्रियार्की का क्या मतलब है? ये एक सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम है जिसमें मैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और वुमेन को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे हमारे कल्चर में आप देखोगे कि जैसे घरों में भी आपने देखा होगा, जनरली, ज़रूरी नहीं है सबके घर में, पर जनरली जैसे पापा की ज़्यादा चलती है ना, जो मम्मियाँ होती हैं वो किचन्स में ही रहती हैं रूरल एरियाज़ वगैरह में, लड़कियों की बात ज़्यादा सुनी नहीं जाती। तो ये जो सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल सिस्टम होता है कि मेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है फॉर वॉट एवर रीज़न, और वुमेन की ज़्यादा सुनी नहीं जाती, इसे पेट्रियार्की कहते हैं। ठीक है, चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फेमिनिज्म समझ लिया, नेक्स्ट मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म समझते हैं। ठीक है, मार्क्सिज्म क्या है? कार्ल मार्क्स के जो भी विश्वास थे, बिलीव्स थे, उसको हम मार्क्सिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मार्क्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 19th सेंचुरी के थिंकर थे, जिनका पता है क्या मानना था कि इस दुनिया में इनइक्वालिटी क्यों है? प्राइवेट ओनरशिप के वजह से। ठीक है, तो कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज को खरीद लेते हैं, वो ऑयल खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, फॉरेस्ट खरीद लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, है ना, और फिर वो अपने नीचे 1,000-2,000 लोगों को काम कराते हैं। अब क्योंकि ये जो लोग हैं, इनके पास ऑयल है, फॉरेस्ट है, खूब पैसा है, इन्होंने सारी चीज़ें खरीद ली हैं। अब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को भी काम आती है, ऑयल, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो ये जो रिच लोग होते हैं, ये पॉलिटिकली भी पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकली भी ये लोग पावरफुल हो जाते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं, ये अपने पावर्स को मिसयूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि इनइक्वालिटी तो इसलिए ही है क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है, जिनके पास पैसा है वो सब खरीद लेते हैं, फिर वो पॉलिटिक्स में भी चले जाते हैं, पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर वो अपने पावर्स को मिसयूज़ करते हैं।
तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि पता है सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि हम ऐसे प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दें और गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ पकड़ा दें, ठीक है, किसी एक इंसान को इतनी पावर ही मत दो कि वो सब कुछ खरीद रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट का कर दो, ऑयल, फॉरेस्ट, ज़मीन, सब गवर्नमेंट की। तो ऐसे में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके हाथ में खूब सारा पैसा पहुँच पाएगा, है ना। तो ये कार्ल मार्क्स के व्यूज़ थे। ऑफ कोर्स ये व्यूज़ डिबेटेबल हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गलत है या ये ऐसा है वैसा है, आप मे बी आपके दिमाग में भी आ रहा हो कि दीदी ये तो डिबेटेबल है, ठीक है, ऐसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इनइक्वालिटी की, ठीक है। तो हाँ, इट इज़ डिबेटेबल, पर कार्ल मार्क्स का मैं आपको बता रही हूँ कि उनका विश्वास ये था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लिबरल थियोरीज, ठीक है, जो लिबरल्स होते हैं उनका क्या मानना है? तो लिबरल्स का मानना है कि देखो ये चीज़ तो सच है कि गवर्नमेंट को थोड़ा इंटरफेयर करना होगा, ठीक है, पर लिबरल्स साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि सोसाइटी में ना कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर आपको कुछ चाहिए, ठीक है, अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए तो आप उसके लिए कम्पीट करो, मेहनत करो और फिर आपको मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको मिलेगा, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये लिबरल्स का मानना है कि हाँ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए चीज़ों को, पर हम लोगों को भी ऐसे नहीं खाली बैठे रहो कि गवर्नमेंट सब पकड़ा रही है, कंपीट करना होगा सोसाइटी में। अनलाइक सोशलिस्ट, लिबरल्स डू नॉट बिलीव दैट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज आर लिंक्ड, ठीक है। सोशलिस्ट क्या होते हैं, हमने सोशलिज्म पढ़ा अगेन क्लास 9th में, ठीक है। सोशलिज्म क्या होता है, एक ऐसा विश्वास कि सब लोगों को सोसाइटी में बराबर बराबर रिसोर्सेज मिलने चाहिए, तो जो लोग सोशलिज्म पे विश्वास रखते हैं उन्हें सोशलिस्ट कहते हैं। तो सोशलिस्ट को अक्सर लगता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी लिंक्ड होते हैं, ठीक है, पर लिबरल्स को ऐसा नहीं लगता। लिबरल्स को लगता है कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटी अलग है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अलग है और सोशल इनइक्वालिटी अलग है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो गया कि पॉलिटिकली सबको इक्वल राइट नहीं मिल रहे, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, डेमोक्रेसी लाओ, संविधान बनाओ, कानून बनाओ और चीज़ों को ठीक करो, है ना। तो जो लिबरल्स हैं उनका मानना है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी लिंक्ड नहीं है, ये तीनों अलग अलग टॉपिक्स हैं एंड इन तीनों का अलग अलग सॉल्यूशन है, ओके। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, इक्वालिटी को हम लोग प्रमोट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो एक तरीका है बाय एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी ले आओ, एक वो तरीका होगा इक्वालिटी को सोसाइटी में बढ़ाने का। अब होता क्या है फॉर्मल इक्वालिटी, ठीक है, तो फॉर्मल इक्वालिटी को समझने के लिए आपको समझना होगा फॉर्मल इनइक्वालिटी क्या होता है, ठीक है। जैसे बहुत पहले के टाइम पर जो विमेन थी उनको अलग अलग प्रोफेशंस करना अलाउड नहीं होता था, ठीक है, आज भी होता है ऐसा। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनसे बोला जाता था कि तुम एक पर्टिकुलर टाइप का काम ही कर सकते हो, तुम और कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रही हूँ ये फॉर्मल इनइक्वालिटी के एग्जांपल हैं, हम लोगों ने खुद ही सोसाइटी में इस टाइप की इनइक्वालिटी बना दी, है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम फॉर्मली इन सारी चीज़ों को बैन करें, है ना, कानून बना दो, संविधान में साफ साफ लिख दो कि भेदभाव करना अलाउड नहीं है, लिखा भी है हमने कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, है ना। तो एक तरीका जिसके थ्रू हम इक्वालिटी प्रमोट कर सकते हैं वो होगा कि हम फॉर्मल इक्वालिटी लाएं, मतलब फॉर्मल तरीके से हर जगह कानून बना दें, संविधान में लिख दें कि इन इक्वालिटी को हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली, ये मैंने आपको समझाया भी अभी कि कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि हम लोगों को अलग ट्रीटमेंट दें। इक्वालिटी का मतलब कभी कभी ये भी होता है लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करना, ठीक है। जैसे हमारे बुक में एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, मैं आपको बताती हूँ। एक टीचर है, ठीक है, टीचर मतलब कुछ भी मान लो इनको, एंड यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, और टीचर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पेड़ रखा हुआ है, ठीक है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फेयर सा टेस्ट करेंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सही तरीके से एक टेस्ट करेंगे, जो जानवर सबसे पहले चढ़ेगा पेड़ के ऊपर, ठीक है, वो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जानवर होगा। अब यहाँ पे बेचारा हाथी भी है, बेचारा एक फिश भी है, ये सब कैसे चढ़ेंगे पेड़, है ना। अब हाथी तो बेचारा पेड़ चढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाथी बेकार जानवर है, नहीं, हाथी तो बहुत पावरफुल जानवर होता है। सिमिलरली फिश भी नहीं चढ़ पाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिश बेकार जानवर है ना। तो हमें ये समझना है कि हम सारे लोग अलग हैं,
तो हम सारे लोगों को कभी कभी अलग अलग ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, एंड दैट इज फाइन. ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. वही एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो एक हॉस्पिटल है. ठीक है, हॉस्पिटल में दो टाइप के पेशेंट्स जा रहे हैं. ठीक है, एक जो पेशेंट है उसे कोल्ड है, तो और मतलब बाकी वो फिजिकली फिट है, मतलब कोल्ड है उसे, तो वो सीढ़ियों से चढ़कर जा सकता है फर्स्ट फ्लोर तक. ठीक है, दूसरा जो पेशेंट है, ठीक है, वो मान लो फिजिकली चैलेंज्ड है, नीचे से पैरालाइज्ड है, व्हील चेयर पर आता है. ठीक है, तो अब वो सीढ़ियों से तो नहीं चल सकता, तो हमें उसे कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी. हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए रैंप बना सकते हैं, है ना, मतलब एक ऐसा एक स्लोप सा बना दिया कि तुम इसे यूज करके ऊपर चढ़ जाओ, है ना. तो ऐसे में क्या हुआ, हम दोनों पेशेंट्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, पर ये इनइक्वालिटी नहीं है. कभी कभी लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट देना भी इक्वालिटी होती है. ठीक है, यही था डिफरेंशियल ट्रीटमेंट. नेक्स्ट, अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन टॉपिक में आपको समझाया गया है कि सिर्फ बोलने बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हें एक पॉजिटिव एक्शन लेना होगा. ठीक है, बहुत आसान होता है संविधान में चीज़ों को लिख देना या अलग अलग कानून बना लेना, पर फिर कानून बना के अगर आप उसके बाद कुछ नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है. आपको पॉजिटिव मेजर्स अपने तरफ से अलग अलग कदम लेने पड़ेंगे, तभी सोसाइटी में इक्वालिटी आ सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा जो हमने स्टेप लिया इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, वो ये था कि हम लोग पॉलिसी लेकर आए रिजर्वेशन की, रिजर्व्ड सीट्स की, है ना. तो जो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको हमने हिस्ट्री में बहुत परेशान करा, ओबीसी, एससी, एसटी, जिनको हमने सप्रेस करा था हिस्ट्री में, उनको प्रमोट करने के लिए हम रिजर्वेशन लेकर आए. तो रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन, एक पॉजिटिव एक्शन का एग्जांपल है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ संविधान में लिख के छोड़ दिया, हमने सही में कुछ ऐसा करा जिसके थ्रू लोगों के लिए इक्वालिटी एक्सेसिबल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट, आपके बुक में ना फिर ये डिस्कशन हो रखा है कि रिजर्वेशन सही है या नहीं है, ये हमने अपने और भी लेक्चर्स में इसी चैनल पर डिस्कस कर रखा है. ठीक है, तो मैं आपको ओवरऑल सम अप करके बता देती हूँ कि इन माय व्यू और हमारे बुक में भी जो लिखा है, रिजर्वेशन सही है या मतलब नहीं है. ठीक है, तो देखो, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल परफेक्ट है. अगर आप हिस्ट्री हमारी उठा के देखो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कास्ट सिस्टम क्या था, है ना, अनटचेबिलिटी क्या था. तो जब बाकी सारे इंडिया के जो जनरल लोग थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हमारे इंडिया में ऐसे लोग थे जो बेसिक हक के लिए लड़ रहे थे कि उन्हें मंदिर जाना है या कुएं से पानी पीना. ठीक है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए. जब बाकी सारे लोग पढ़ रहे थे, जॉब ले रहे थे, वो बेसिक हक के लिए लड़ रहे थे, तो अगर हम उन्हें प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन डाल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो इनिशियली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने लगाया था, बाद में वो टाइम हमने फिर से एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, पर हाँ, रिजर्वेशन अगर मिसयूज हो रहा है तो दैट इज समथिंग टू लुक इनटू. ओके, बट हाँ, एज सच रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है. ओके, विद दिस हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको इक्वालिटी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड बहुत कुछ नई नई चीज़ें आपको समझ आई होंगी इक्वालिटी के बारे में. ठीक है, सो आजकल मैं कन्फेटी लाना भूल रही हूँ बहुत, है ना. एनीवे, आप लोग ऐसा इमेजिन कर लो कि आसपास कन्फेटी उड़ रहा है, पैट योर बैक, गुड जॉब, आप लोगों ने एक और चैप्टर फिनिश कर लिया है, एंड अब हम लोग और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर एक एक करके इसी वीक में करेंगे कवर. ओके, सो टेंशन मत लो. सो कोई भी दिक्कत हो या क्लास कैसी लगी, इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग कॉमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो रीच आउट ऑन इंस्टाग्राम, विच इज़ anushya.k. चलो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.